हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करता है, हमारे मन में गुलामी का भाव पैदा करता है, हम कमजोर हैं ऐसी अवधारणा को जन्म करता देता है। हमें उन सारी सारी मानसिकताओं को, मान्यताओं को, परंपराओं को त्याग देना है। इस त्याग के बिना अगर हम बौद्ध बनते हैं, धर्म को अंगीकार करते हैं, तो कोई अर्थ नहीं है बौद्ध बनने का। अभी तक यही चूक होती रही, अब नहीं होनी चाहिए। हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बात कर रहे हैं और मनोबल कमजोर हो जाए कि महिलाएं कमजोर होती हैं ये भाव लेकर चलें, महिलाओं को पर्दे में रहना है ये भाव अगर बना रहा बौद्ध बनने के बाद भी, महिलाएं घूंघट में रहे पर्दे में रहे, तो बौद्ध बनने का कोई अर्थ नहीं है। बौद्ध बनने के बाद भी महिलाएं पायल पहनने मजबूरी हो जाए महिलाओं को, बौद्ध बनने के बाद उन्हें जो गुलामी के बंधन है उनको स्वीकार करना मजबूरी हो जाए, तो मैं समझता हूं इस दीक्षा का कोई लाभ नहीं होगा। दीक्षा चाहे आप देरी से लो, लेकिन पूरे परिवार को सहमत करके लेना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को सोच रहे हों कि दीक्षा तो एक निजी प्रयोजन है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किस धर्म को मानता है किस धर्म को नहीं मानता। मैं आपके विचार का समर्थन करता हूं, लेकिन जो परिवार में रहते हैं दो विपरीत धाराएं एक साथ नहीं चल सकती। विपरीत धारा की चीजें आपस में टकराव पैदा करती हैं। दो विपरीत धाराएं एक साथ रहेंगी तो जीवन कुंठित हो जाएगा, जीवन में कलह होगा, जीवन में मतभेद हो जाएंगे, और जिस उद्देश्य के लिए आपने दीक्षा ली थी वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा। फिर श्रेष्ठ जीवन की अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर तो हम घर में कलह को ही निपटाते रह जाएंगे। लेकिन बौद्ध बनने के बाद हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन निर्माण था, तो हमें श्रेष्ठता के भाव में काम करना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद हमें कुछ नई चीजें स्वीकार करनी होंगी। वो सारी बातें दीक्षा देने वाले आपको समझाएंगे। जो नया स्वीकार किया है उसको लेकर के, पुराना जो था उसको त्याग करके जब हम गृह प्रवेश करें, घर में जाएं, तो घर में एक उत्सव का वातावरण होना चाहिए। और मैं यूं कहूं कि दीक्षा के बाद जब आप घर में प्रवेश करें उसके साथ ही एक दीक्षा उत्सव का भी आयोजन होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का विचार था। क्योंकि जब हम उत्सव मनाते हैं तो उत्सव की अनुभूति से हमें लगता है कि आज मेरा जीवन रूपांतरित हुआ है, उत्सव से लगता है कि आज मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, आज मेरे जीवन का एक नया मोड़ हुआ है, एक नया स्वरूप बनने जा रहा है। उसके लिए दीक्षा उत्सव मनाए। दीक्षा उत्सव के कोई भी स्वरूप हो सकते हैं। आप महिलाओं को घर में इकट्ठा करके अच्छे गीत संगीत करवा सकते हैं। कुछ लोग घर में चाहे तो अच्छे गीत बजा करके सुंदर वातावरण निर्मित कर सकते हैं। जो आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन सबको बुला करके आप बताएं कि आज मैं बौद्ध बन गया हूं, मेरा नया जन्म शुरू हुआ है, मेरे जीवन की नई शुरुआत शुरू हुई है, अब से मेरे पर्व परंपराएं प्रतीक सब बौद्ध होंगे। यद्यपि हमारे संबंध सामाजिक हैं वो बने रहेंगे, बहन के साथ भाई का संबंध बना रहेगा, अड़ोसी पड़ोसी के साथ पड़ोसी का संबंध बना रहेगा, जो सगे संबंधी हैं नातेदार हैं उनके साथ संबंध बने रहेंगे, लेकिन जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धर्म की बात है, तो मेरे सारे पर्व परंपराएं प्रतीक बौद्ध ही होंगे। हमें डिक्लेयर करना होगा, उन सब में बताना होगा कि अब मैं बौद्ध हो गया हूं, मेरे अपने संस्कार हैं, मेरी अपनी परंपराएं हैं, मेरा अपना पर्व है, मैं बौद्ध परंपराओं को ही, बौद्ध प्रतीकों को ही, बौद्ध पर्व को ही स्वीकार करूंगा। इसके अलावा मैं दूसरी जो छोड़ चुका हूं उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। उदाहरण के लिए आपके पड़ोस में आपके किसी सगे संबंधी के घर में किसी लड़की का विवाह है, वो आपको आमंत्रण देता है, आप उसे स्वीकार कीजिए, आमंत्रण दिया है तो जाइए, लेकिन जब वहां जाकर के आप कन्यादान देने की रस्म अदायगी करेंगे
तो फिर आपके बौद्ध होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उन्होंने आमंत्रण दिया आप जाइए, लेकिन कन्यादान नहीं करना है। कन्यादान बौद्ध परंपरा में इसका कोई स्थान नहीं है। कन्या कोई वस्तु नहीं है। पहले पिता कन्या को दान करता है, फिर दान की हुई कन्या को हम दान करते हैं। यानी कि ये तो जीवन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। बैटरी लगाना इसमें। ये जीवन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत बात है। हम इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। अगर आपके घर में कोई विवाह है तो आप उसमें जाइए, बुलाइए लोगों को, लेकिन आप कन्यादान ना ले। आप कन्यादान ना ले क्योंकि आप बौद्ध हैं। सभी लोगों को पता लगेगा कि आप बौद्ध हैं, कन्यादान नहीं लेते हैं। तो ये बात भी पता लगे कि आप बौद्ध हैं, कन्यादान देते भी नहीं हैं। हमें अपनी परंपराओं को बिल्कुल ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। ये दीक्षा उत्सव है, नहीं चला निकाल दो। इसके साथ हमें क्या करना है? दीक्षा उत्सव में आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को बुला रहे हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। सुनिए, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करें। उन्हें भी लगे कि अब आपका दीक्षा उत्सव है और उसमें एक सुंदर सा वातावरण बनना चाहिए, खुशी का वातावरण बनना चाहिए। बच्चे भी प्रफुल्लित नजर आने चाहिए, घर की महिलाएं भी बहुत प्रसन्नचित नजर आनी चाहिए, घर का प्रत्येक सदस्य रोमांचित हो उठे कि आज हमारा दीक्षा उत्सव है, हम दीक्षा लेने के बाद उत्सव मना रहे हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये बहुत बड़ी कमी थी। लोगों ने दीक्षाएं ली लेकिन दीक्षा उत्सव नहीं मनाया। दीक्षा उत्सव नहीं मनाने की वजह से हम धर्म को समझ नहीं पाए। आसपास के लोगों को पता ही नहीं लगा कि हम बौद्ध हैं, और पता नहीं लगने के कारण हमारी पहचान भी नहीं बनी। तो आपको घोषणा करनी होगी कि आज मैं बौद्ध बना हूं, मैंने पुराने प्रतीक, पुरानी मान्यताएं और पुराने पर्व हैं उनका परित्याग कर दिया है। आज से मैं बौद्ध व्यवस्था को अंगीकार करता हूं, बौद्ध व्यवस्था को स्वीकार करता हूं। इस आशय के साथ जब हम घोषणा करेंगे तो वो खुशी का क्षण होगा। और जैसे बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, वैसे ही हम बौद्ध नजर आने लगेंगे। और यही बाबा साहब चाहते थे कि दीक्षा के बाद दीक्षा उत्सव होना चाहिए। अगर परिवार के बाकी लोगों की दीक्षा हो चुकी है, छोटा बच्चा है, तो उसकी दीक्षा करें, तो उत्सव मनाएं, उसको भी लगेगा कि मेरा भी दीक्षा उत्सव हो गया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से बौद्ध नहीं होता, उसे बौद्ध बनना पड़ता है। उसे बौद्ध बनने के लिए बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करना होता है, उसके लिए एक संकल्प लेना होता है, एक घोषणा करनी होती है। उसी का नाम ही बौद्ध होना है। हमें एहसास हो जाए, अनुभूति हो जाए, हम समझ जाएं कि मैं बौद्ध बना। समझेंगे तभी ही हमें पता लगेगा कि मैं बौद्ध बना। जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो तो रोने लग जाता है। पड़ोस के लोग आते हैं जो जैसा जानते हैं, वो अपनी ही परंपराओं में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे वो कहेंगे बाकी लोग वैसा ही करते हैं। दीक्षा तो ले ली थी, पड़ोसियों को पता नहीं था। दीक्षा लेने के बाद जब मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार अबोध लोगों ने अबोध परंपराओं से किया। अबोध लोग अबोध परंपराओं से ही करेंगे तो फिर वहां आपका बौद्ध बनना और नहीं बनना निरर्थक हो गया। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन भर बौद्ध रहकर के प्रचार प्रसार किया, लेकिन परिवार को धम्म में नहीं लेकर के आए। जब उनकी मृत्यु हुई, या यूं कहें कि जब वो दुनिया से विदा हुए, तो उनका अंतिम संस्कार रूढ़िवादी परंपराओं से हुआ। तब उन्हें बौद्ध परंपरा से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया।
और इससे बहुत ही नकारात्मक संदेश समाज में गया, बहुत सारे प्रभावशाली लोगों के साथ ऐसा हुआ। इसलिए इस बौद्ध आचार संहिता निर्माण समिति ने इस बात को प्रमुखता के साथ रखा है, क्योंकि ये बाबा साहब का आदेश था, ये विचार बाबा साहब का था कि दीक्षा के बाद हमें दीक्षा उत्सव मनाने ही चाहिए। तो मैं भी आज इस विषय पर कहूंगा कि आप कोई भी दिन तय करें, उसके लिए तैयारी करें, मानसिक तैयारी करें, घर को सुंदर बनाने की तैयारी करें। दीक्षा लेने के बाद आसपास के लोगों को जरूर बताना चाहिए, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आपको डिक्लेयर करना है, घोषणा करनी है कि मैं आज से बौद्ध हो गया हूं। आपकी ये घोषणा ही, आपका ये डिक्लेरेशन ही समाज में एक नई पहचान बनाने में एक महती भूमिका निभाएगा। जब भी आप कभी बुद्ध के मार्ग से विचलित होंगे, तो आपकी घोषणा, आपका संकल्प, समाज के सामने आपके द्वारा लिया हुआ संकल्प, की हुई घोषणा आपको इधर उधर भटकने से रोक देगी। इसलिए हमें दीक्षा उत्सव के दौरान घोषणा करनी है, ये अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ हमें दो बातें और करनी है जो अभी तक नहीं हुई थी। जब जन्म नया हुआ है तो पहचान पुरानी नहीं होनी चाहिए। किसी का नाम किसी दूसरी व्यवस्था के अनुकूल है तो उसे बौद्ध व्यवस्था के अनुकूल नया नाम स्वीकार करना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी का नाम लक्ष्मी प्रसाद है, किसी का नाम हरी राम है, इसका एक अर्थ है कि उसका नाम किसी व्यवस्था के अनुरूप है, और बौद्ध बनने के बाद भी आपका यही नाम है, तो फिर आपके बौद्ध होने का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें नाम बदलना चाहिए, नाम धर्म के अनुरूप होने चाहिए, नाम उनका एक सुंदर सा शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए, गौरवशाली होने चाहिए, जीवन को गरिमा देने वाले होने चाहिए। नाम भी प्रेरणा देते हैं। अगर किसी का नाम आपने गरीबा रख दिया, गरीबा नाम गरीबी का परिचायक है। किसी का नाम शैतान रख दिया, वो शैतानी का परिचायक है। जिसका नाम जालिम सिंह रख दिया, ऐसे नाम है, अब वो भले किसी व्यवस्था को इंगित ना करते हो, लेकिन दरिद्रता को, शैतानी को, जुल्म को इंगित करते हैं। इसलिए हमें नाम अवश्य बदलने चाहिए। कुछ लोग जब ये बात करते हैं तो इस प्रकार का एक प्रश्न उठा देते हैं, अजी नाम कैसे बदलेंगे, सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलेंगे, बैंक में नाम कैसे बदलेगा, स्कूल में नाम कैसे बदलेगा। हर काम का एक तरीका है, उसके लिए एक प्रोसीजर है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं बदलना चाहते, कागजों में नाम बदल पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार में नाम बदलने चाहिए। व्यवहार में नाम बदलेंगे तो पहचान अपने आप ही बदल जाएगी, अगली पीढ़ी जब आएगी उनके नाम निश्चित रूप से बौद्ध परंपरा के अनुरूप ही होंगे। छोटे बच्चों के नाम आप आराम से बदल सकते हो, स्कूल में बदलवा सकते हो, कोर्ट में बदलवा सकते हो, अपना नाम भी बदलवा सकते हो। फिर भी अगर नहीं करते हो तो नाम व्यवहार में अवश्य बदल लेने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बौद्ध बनने के बाद एक बात की घोषणा और भी करनी है, आपकी जाति भी रहनी चाहिए। बुद्ध का धर्म समानता का धर्म है, करुणा मैत्री का धर्म है, स्वतंत्रता का धर्म है। अगर जाति की अवधारणा को लेकर के काम करेंगे, अगर जाति को लेकर के काम करेंगे, जाति को बनाए रखेंगे, नाम के पीछे गोत्र लगाए रखेंगे, तो फिर ये प्रयास निरर्थक होगा। मैं कहना चाहूंगा, जो लोग जाति नहीं छोड़ना चाहते उन्हें बौद्ध नहीं बनना चाहिए। आप दोहरा अनर्थ करते हैं, एक तो अपने आप को जो अवसर मिला है उसे वंचित कर देते हैं। जो महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा के आप पात्र बन सकते थे, उसमें आपने अपने आप को अपात्र बना लिया। बाबा साहब की जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, आपने उसको ठेगा दिखा दिया। दूसरी बात,
आपके जीवन में जो सम्मान आना था, जो सम्मान की उच्चतम पराकाष्ठा प्राप्त होनी थी, आप उससे वंचित हो गए। आप दुत्कारे जाओगे, फटकारे जाओगे। इसी से मुक्ति पानी थी तो ये निरर्थक हो जाएगा अगर जाति को, गोत्र को, जाति के उपनाम को बना करके रखा है। और मैं इस बात के लिए बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, बौद्ध बनने के बाद जाति रखना एक बहुत बड़ा जुर्म है, धम्म के लिए भी, धम्म की मान्यताओं के लिए भी, धम्म की परंपराओं के लिए भी, और विशेष रूप से बाबा साहब की अपेक्षाओं के लिए भी अपराध है। इस अपराध को हमें नहीं करना चाहिए। जो बौद्ध बने हैं उन्हें निश्चित रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहिए। यह हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए कि हम बौद्ध हैं तो बौद्ध बनकर के जिएंगे, बौद्धों का आचरण करेंगे, और ये सब चीजें हमें बदलनी होंगी। तो आज मैं इस पहले अध्याय पर ही चर्चा कर रहा हूं कि हमें आचार संहिता बनाते समय दीक्षा को पहले ही अध्याय में रखा है, और ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। जो लोग दूर बैठे हैं उनकी समझ में आएंगी, संभवतः फेसबुक पर लाइव हो रहा होगा, वहां पर भी आप सुन सकते हैं, और ये यूट्यूब पर भी डाले जाने वाला होगा, धम्म कारवां में भी आप सुन सकते हैं। ये जन कल्याण के लिए है, लोगों तक अपने विचार को पहुंचाने के लिए है। यद्यपि आज हमारा प्रयास था कि जो 1200 लोग उस बौद्ध आचार संहिता प्रारूप निर्माण कार्यशाला में पहुंचे थे, उन सबको आज जुड़ना था, लेकिन उन्हें से मैं समझता हूं केवल 225 लोग आज नए जुड़े हैं। 200 लोग निरंतर जुड़ते रहे हैं, आज 225 लोग जुड़े हैं। हो सकता है कि ठीक से सूचना ना पहुंची हो सकता है कि आपके पास समय ना रहा हो सकता है कि आप इस गूगल मीट का महत्व ना समझ पाए हो, तो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाकर के सुन सकते हैं। और जितने भी श्रोता आज सुन रहे हैं, आपसे भी एक अनुरोध है, हर रोज अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, परिचित लोगों को प्रेरित करें कि वो गूगल मीट से जुड़ने लगें। और आप समझिए, आपके सुझाव भी हम लेंगे, आप तक बातें भी पहुंचाएंगे। ये कारवां निरंतर चलना चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आज भी मैं देख रहा हूं 420 से ज्यादा लोग हैं, इसको 1000 से पार जाना चाहिए था, फिर भी हमारे लिए उत्साह की बात है कि 400 से ज्यादा लोग, 425 के लगभग 421 लोग आज सुन रहे हैं। 400 लोगों का परिवार भी है, उनके मित्र भी हैं, सगे संबंधी भी हैं, वे इस विचार के वाहक बनेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज इस विषय को मैं यही विराम देता हूं। शेष 15 मिनट का समय चर्चा के लिए है। आप में से जो भी कोई कुछ पूछना चाहता हो, मन की जिज्ञासाएं हैं, तो वे पूछ सकते हैं। अंत में एक बार मैं फिर कहूंगा, दीक्षा लेकर के दीक्षा उत्सव को मनाना हमारी परंपरा को और मजबूत करेगा, और ये आंदोलन चलना ही चाहिए, जीवन का रूपांतरण होना ही चाहिए। ये धर्मांतरण नहीं है, ये जीवन का रूपांतरण है। हम जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, दुख मुक्ति से के मार्ग पर चलते हुए सुख पाना चाहते हैं, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध बने, इस सिद्धांत को स्थापित करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, और यही बौद्ध आचार संहिता का पहला अध्याय है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, भवतु सर्वमंगलम।